जेजेपी में शामिल हुए बीएसएफ के पूर्व सिपाही तेज बहादुर। तेज बहादुर ने सीएम खट्टर के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया था नामांकन खाने की शिकायत से। चर्चा में आने वाले सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव ने अब हरियाणा की राजनीति में कदम रख दिया है। तेज बहादुर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नई पारी के आगाज के साथ ही तेज बहादुर ने यह ऐलान भी कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन भरने वाले तेज बहादुर यादव ने अब मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ हुंकार भरी है। बता दें कि गुरुवार को जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने 30 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबकी नजर बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव की उम्मीदवारी पर है, क्योंकि तेज बहादुर को जेजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से चुनावी मैदान में उतारा है। जेजेपी ने एक पूर्व मंत्री और दो पूर्व विधायक समेत चार वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी घोषित किया है। इनमें पूर्व मंत्री हर्ष कुमार हतीन से चुनाव लड़ेंगे, पूर्व विधायक राम कुमार गौतम नारनौंद से, उकलाना से पूर्व विधायक अनूप धानक जेजेपी उम्मीदवार होंगे। बता दें कि तेज बहादुर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की वाराणसी सीट से पर्चा भरा था। तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन गलत जानकारी देने का दावा करते हुए चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया था और इस तरह वो चाह कर भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाए थे। दरअसल तेज बहादुर यादव ने बीएसएफ में रहते हुए वहां के खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। तेज बहादुर ने बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी। तेज बहादुर के इस कदम को बीएसएफ ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से ही तेज बहादुर लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और बीएसएफ के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी है। इसी कड़ी में वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन वहां मौका ना मिलने के बाद अब तेज बहादुर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में न सिर्फ हाथ आजमाने का फैसला किया है, बल्कि सीधे तौर पर राज्य के मुखिया और बीजेपी के चुनावी चेहरे मनोहर लाल खट्टर को टक्कर देने की हुंकार भरी है।